हे भगवान आप मुझे हजारों कान दीजिए और हजारों जीवें तो भी मैं आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकूंगा। रूप गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं हजारों जीवों के लिए और हजारों कानों के लिए। और हमारी क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि हमारे पास केवल एक जीव है और दो कान, और ये एक जीव और दो कान का भी हम ठीक उपयोग नहीं कर पा रहे। एक जीव को भी सदा भगवान का गुणगान में जोड़ने के लिए हम समस्या अनुभव करते हैं। जीव के द्वारा हमें सदा ये प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का गुणगान करें और कृष्ण कथा करें। जीव के द्वारा केवल सत्य बोलो। सत्य का क्या अर्थ? सत्य का पहला अर्थ तो यह है कि जो भगवान का आदेश है उसे यथारूप स्वीकार करो। ये नहीं कि आप भगवान के संदेश को लेकर अपना भाव अर्थ साथ में जोड़ दो। ऐसे शब्द नहीं बोलो जिससे किसी के दिल को आप तोड़ो, अपमान करो। ये भगवत गीता में है। भगवत गीता में भगवान जीव की तपस्या के विषय में समझाते हैं, एक सत्य बोलो, दूसरा सत्य बोलो पर बड़े मधुर रूप से। यह है कला। जैसे कि समझो आप प्रचार करने जाओ तो आप प्रचार अपमान करके भी कर सकते हो या बड़े मीठे रूप से भी। जैसे कि भागवतम के दूसरे स्कंध में एक श्लोक है, स्वावेद बड़ा होस्ता खरे सांतुता पुरुषा पश। तो भागवतम के श्लोक में कहा गया है कि जो लोग गधे ऊंट कुत्ता और सुअर, जो लोग ये चार प्रकार के पशु जैसे हैं, वो जो दूसरे हैं इस प्रकार के उनकी प्रशंसा करते हैं। तो अगर हम प्रचार करने जाएं और हम कहें हे कुत्ता, तो कोई आपको आदर नहीं देगा। पर अगर हम प्रेम से समझाएं कि ये जो कार्य आप कर रहे हो ये पशुओं के समान है, शास्त्र में ये प्रमाण है, फिर शायद उसका प्रभाव पड़ जाए। तो ये बहुत अवश्य है।